लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूले को मैंने डिटेल से बताया था, सबको क्लियर था वो, सबने लिखे हैं उसको, हम बता रहे थे आपको कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने लिखा था आप सबको याद होंगे कि T1 अर्लियर और T1 प्रेजेंट पे, मैं दोबारा लिख देता इसको, यहाँ हमारे पास मामला है कि T1 years पहले, मतलब अर्लियर, और ये आपका प्रेजेंट पे था, और ये था T2 years हेंस, सेंस मतलब बाद में, फ्यूचर में। यहाँ हमारे थे फादर्स एज, डेट ऑफ सन, पापा को मत, अगर T1 साल पहले अगर एक्स टाइम्स रहा होगा, मैंने पहले लिखा था, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं, और अभी अगर वाई टाइम्स हो T2 ईयर्स बाद अगर ये जेड टाइम्स होता है, तो सन का एज अगर निकालेंगे तो अगर हम प्रेजेंट और पास्ट लेते हैं, आपको कल दिया है कि प्रेजेंट में आपका जो है पापा का एज वाई टाइम्स है, और आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले या 3 साल पहले एक्स टाइम्स था, खाली पास्ट और प्रेजेंट अगर दिया होगा उस केस में हम क्या करेंगे, सन का एज निकालेंगे। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है इन दोनों के साथ, मतलब फ्यूचर नहीं दिया है क्वेश्चन में, खाली पास्ट दिया है, मतलब भूतकाल में दिया है और वर्तमान काल में दिया है, तो उसके हम क्या करेंगे, सन्स एज इज इक्वल टू T1 इंटू एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस वाई। वाई क्या है, जो वर्तमान में जितने गुना है, और एक्स क्या है, जो पहले था, लेकिन हम इसको पॉजिटिव लेंगे, ऐसा कोशिश करेंगे कि ताकि पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं होता। T1 क्या है, जितना समय पहले बताया गया होगा, और अगर हमारे इन दोनों से करते हैं कि प्रेजेंट का दिया है और फ्यूचर का दिया है, पास्ट का नहीं दिया हुआ है, उस केस में सन्स एज, बेटे का उम्र, इज इक्वल टू जेड माइनस वन इंटू T2 डिवाइडेड बाय वाई माइनस जेड। अब अगर दोनों का दिया है, मतलब पास्ट का भी दिया है और फ्यूचर का भी दिया है, उस केस में क्या हो जाएगा आपका, हम दोनों बार कंबाइंड करेंगे, तो उसमें हम बोलेंगे कि सन्स का एज इज इक्वल टू T2 इंटू जेड माइनस वन। T2 क्या है, जो फ्यूचर में होगा, देखिए T2 क्या लिखा है, हमने फ्यूचर में, फ्यूचर का लिया है, लिखा है मतलब जो भविष्य में जितना होगा, T2 इंटू जेड माइनस वन प्लस T1
इंटू एक्स माइनस वन, मतलब जो पास्ट में जितना गुना था, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एट। ये हम पहले भी बता चुके थे और इसका हम यूज करेंगे। होप कि सबको ये फॉर्मूला क्लियर होगा। हम तीन क्वेश्चन कर चुके थे फर्स्ट, ये हम कर चुके थे लास्ट क्लास में, पहला वाला कर चुके थे हम। सेकंड भी कर चुके थे, थर्ड भी कर चुके थे, फोर्थ करने की कोशिश करें। द एज ऑफ ए मैन इज फोर टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 5 years एगो, एगो मतलब भूतकाल का। द मैन वॉज 9 times ओल्ड एज हिज सन वॉज दैट टाइम, वट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन। किसी इंसान का बता बारे में बता जा रहा है कि एज ऑफ ए मैन इज 4 times दैट ऑफ हिज सन, पिता का उम्र अपने बेटे की उम्र का 4 गुना है। 5 साल पहले पिता द मैन वॉज 9 times ओल्ड, मतलब उनको 5 साल पहले जितना बच्चे का उम्र था पापा उसके 9 गुना थे, उनके वर्तमान एज कितनी होंगे। कोशिश करें, मैसेज करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे। सन्स एज इज इक्वल टू फाइव इंटू 9 माइनस 1 बाई 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 8 बाई 5, कितना हो जाएगा 8 years। तो पापा का एज कितना होगा, फादर्स एज इज इक्वल टू 4 गुना बोला जा रहा है, फादर्स एज फोर इंटू एट 32 years। कोई ऐसा है जिसको जिनको क्लियर नहीं हुआ है, सबको क्लियर हो गया? सर एक बार बता दीजिए। सन का एज जो हमने अभी बताया फॉर्मूला, इसको अप्लाई कीजिए। क्या लिखा है इसमें, अर्लियर के लिए T1 साल पहले, ये देखिए पहला फॉर्मूला मान लीजिए इसको, इसको सेकंड फॉर्मूला मान लीजिए और इसको थर्ड मान लीजिए। तो पहला फॉर्मूला क्या बताया है, T1 साल पहले यहाँ जो लिखा गया है एक्स टाइम्स था, तो फॉर्मूला क्या होगा, सन का एज इज इक्वल टू T1 इंटू X माइनस 1 बटे X माइनस Y। एक्स क्या है आपका, एक्स टाइम्स जो T1 साल पहले पिता पुत्र के एक्स गुना था और अभी कितने हैं, वाई गुना है। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों गुना को माइनस कर दिया। एक्स जो T1 से पहले जितना गुना था माइनस अभी जितना गुना है, इसे हमने अप्लाई कर दिया इसमें फॉर्मूला में। क्वेश्चन में बताया गया है द एज ऑफ ए मैन इज 4 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब कितना हो गया, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट टाइम बताया, तो ये वाई हो जाएगा, ये 4 times से कितना वाई हो जाएगा। ये 5 years एगो द मैन वाज 9 times, तो क्या हो जाएगा, 9 times 9 गुना, मतलब ये एक्स हो जाएगा। और 5 years मतलब ये आपका T1 देकर रखा है, तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, T1 इंटू सन्स एज इज इक्वल टू सन्स एज इज इक्वल टू T1 इंटू X-1 बाई X-Y। तो इसको हमने अप्लाई किया यहाँ पे, तो एक्स कितना हो जाएगा इसमें, एक्स इज इक्वल टू सब दिया हुआ है, T1 कितना है 5 years दिया हुआ है और x कितनी है, x के वैल्यू, y के वैल्यू बताइए कितनी है, x इज इक्वल टू 9 है और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अप्लाई कर दिया, सबको क्लियर है? बहुत ही आसान तरीके से है, क्योंकि आपको ये सब क्वेश्चन मिलेंगे ही करने के लिए, तो वहां आप इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। पांचवा कीजिए,
आफ्टर 5 इयर्स द एज ऑफ अ फादर विल बी 3 टाइम्स विल बी थ्राइस द एज ऑफ हिज सन, मतलब 3 गुना हो जाएगा। ये क्या फ्यूचर बता रहे हैं? आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद पापा का एज उस समय बेटे के एज का 3 गुना हो जाएगा। Whereas 5 years ago, लेकिन 5 साल पहले he was 7 times old as his son was, मतलब 5 साल पहले बेटे का जो उम्र था उसका 7 गुना पापा का उम्र था। उनके अभी वर्तमान आयु कितनी होंगे, प्रेजेंट एज कितने होंगे? तो उसके लिए देखो, मैं अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर पास्ट प्रेजेंट दोनों होता है तो सन्स एज कितना हो जाएगा, फॉर्मूला इज इक्वल टू टी टू, इज इक्वल टू टी टू इंटू जेड माइनस वन प्लस टी वन इंटू एक्स माइनस वन बाई क्या था आपका एक्स माइनस जेड। अप्लाई कीजिए इसमें सारे फॉर्मूले में, कितना हो जाएगा सन का एज इज इक्वल टू 5 इंटू 7 माइनस 1 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा आपका x माइनस जेड है तो 7 माइनस 3। सॉल्व करेंगे 5 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 2 बाई 4 इज इक्वल टू 30 प्लस 10 बाई 4 40 बाई 4 10 ईयर्स। तो बेटे का उम्र कितना हो जाएगा आपका 10 ईयर्स हो जाएगा। तो बेटे अगर 10 ईयर्स के होंगे तो पापा का उम्र कितना हो जाएगी आप निकाल सकते हो। सबको क्लियर हो गया? खाली हमने ट्रिक्स में अप्लाई किया, सारा चीजें निकल गया। सबको क्लियर है? सबको इसी ट्रिक्स का आधार पर हमें सारे क्वेश्चन होंगे। अब हम करते हैं, आप कीजिए, पेपर्स करते हैं जो हम हमेशा करते हैं। इसमें आप लोग करो जहां तक किया था आपने, उसके बाद से करते हैं। फिफ्टी सेवन से 59 कर कीजिए, कितना आसान क्वेश्चन है। 57 से 59 मैं दिख रहा ना, पता है कितना आंसर होगा इसका? Here are the based on the of the following diagram in which there are three interlock circles A, P and S. हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 से 59, जहाँ पे आपका A मतलब आर्टिस्ट है, P मतलब प्रोफेशनल प्रोफेसर है और सर्कल S मतलब क्या हुआ आपका स्पोर्ट्स पर्सन हो गए। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आप बताओ 57 का आंसर कितना होगा, 57 58 का आंसर बताओ कितना होगा। B B B very good B or E ऐसा तो कोई नहीं जिन जिनको क्लियर नहीं है, सबको क्लियर है, very good 57 58 59 59 भी बताइए। उसके पहले तक 20 बिल्कुल सही था, जो 57 का बी था, 58 का ए होगा और 59 का
58 में क्या होता है, रीजन व्हिच रिप्रेजेंट प्रोफेसर हु आर बोथ आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्समैन। तो एक ही जगह ऐसा है जहाँ पे आपका आर्टिस्ट भी है, प्रोफेसर भी है और स्पोर्ट्समैन भी है। तो ऑप्शन ये होगा इसके लिए 58 का। 59 का बताइए कितना होगा, 59 का ए। 59 का एक बार फिर से देखिए, 59 का आप लोग ये बता रहे हो, क्या पूछा है, द रीजन व्हिच रिप्रेजेंट प्रोफेसर हु आर आल्सो स्पोर्ट्समैन बट नॉट आर्टिस्ट। आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए, तो आर्टिस्ट छोड़ करके बाकी दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो क्या कॉमन है बाकी दोनों में, जो आर्टिस्ट नहीं है लेकिन प्रोफेसर है या स्पोर्ट्समैन है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। सी होगा, वेरी गुड। ए नहीं होगा, सी है, दोनों कॉमन। ओके, सीरियल क्वेश्चन 60 कीजिए। एक सीरीज है, अगर ए 5 है, बी 6 है, सी 7 है, डी 8 है, और ऐसे होगा, तो आप बताओ इसके बाद का व्हाट डू द फॉलोइंग नंबर स्टैंड्स फॉर, इस नंबर का मतलब क्या होगा। 17, 19, 20, 9, 8, इसका मतलब आपका एबीसीडी में क्या होगा। ऑप्शन सी बता रहे हो, मोटर बता रहे हो, ओके सारे लोग सी बता रहे हैं, वेरी गुड। ओके, सच में सी होगा क्या, एक बार फिर से चेक कीजिए। सी अगर होना होगा तो दो नंबर सेम आपका रिपीट होना होगा, क्योंकि एम ओ टी ओ आर है सी ओ में, सी में तो कहीं पे सेम नंबर कहां पर। ठीक है, ओके, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ए इज इक्वल टू 5 है, बी इज इक्वल टू 6 है, सी इज इक्वल टू 7 है, डी इज इक्वल टू 8 है। क्या नोटिस करते हैं आप इसमें, क्या सीक्वेंस का चल रही है, ए का तो पोजीशन 1 होना चाहिए लेकिन है कितना, 5 है, तो कितना शिफ्ट किया है ए ने, ए ने कितना शिफ्ट किया है, 4 शिफ्ट किया है। अच्छा पुरानी वाली, ओके ठीक है, ए ने कितना शिफ्ट किया आपका, आपका 4 शिफ्ट किया है, ए का पोजीशन 1 होना चाहिए अल्फाबेट में, ये 5 है, बी का कितना 2 होना चाहिए, कितना 6 है, तो 4 शिफ्ट, इसमें भी 4 प्लस करते हैं, प्लस हो गया है। सी कितनी होती है, 3 नंबर पे आती है, लेकिन दिया कितना, 7 दिया है, तो कितना 4 शिफ्ट हुआ है, तो डी कितनी आती है, 4 नंबर पे आती है, कितना दिया आपका इसमें, 8 दिया हुआ। यानी कि अगर हमको किसी नंबर का एक्चुअल पोजिशन जानना होगा तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस करते जाएंगे, तो 17 में से 4 माइनस करिए कितना आएगा, 13, फिर 19 में से 4 माइनस कर 4 माइनस करिए कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, 15, 9 में से 4 माइनस करिए कितना आएगा, 5, 13, 15, अच्छा 20 भी है ना, 20 में से 5 माइनस करें तो कितना आएगा आपका, 20 में से 4 जाएगा, 16 आएगा, और फिर 8 में से 4 माइनस करें, 4 आएगा। आप समझे, हमने मैंने 4 माइनस क्यों किया, ओके ये सबको क्लियर है कि 4 मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि एक्चुअल जो है वो 4 आपका बढ़ा के बताया जा रहा है। अब 13 13 जो अल्फाबेट होगा, 13 हम आप एजो टी की याद करिए, ए जो टी हमने किया था ना, ए जो टी को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ए जो टी याद करो आप, तो अगर हम ए जो टी को याद करते हैं तो 13 में क्या आएगा, एम से शुरू होगा, यानी कि ए और डी गलत हो गया। 15 क्या होती है, ओ मतलब आपका, ओ मतलब 15 हो जाएगा, एम हो जाएगा, फिर पी कितनी आती है, पी कितनी पे आती है, एम एन ओ पी 16 पे आती है, तो क्या होगा, एम ओ पी होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट है किसी में, वेरी गुड। सिक्स
63 करें सीरीज फाइंड करने के लिए। बहुत आसान आसान बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें 2 ऐड करोगे, इसमें 3 ऐड करोगे, इसमें आपका 5 ऐड करोगे, इसमें आपका 7 ऐड करोगे। आप सब क्या देख रहे हो, आप प्राइम टाइम नंबर ऐड करते जा रहे हो लगातार। कोई एक पिक्चर आ गया है कलर वाला। 153 रॉन्ग है। ओके okay. 153 रॉन्ग है बता रहे हो आप, फिर से देखो एक बार। वाकई में 153 रॉन्ग है क्या? 2 ऐड करो फिर कितना आएगा आपका, 3 ऐड करो फिर क्या आएगा, 5 ऐड करो फिर 7 ऐड करो, 7 के बाद का प्राइम नंबर क्या 11 है, 11 ऐड करो कितना आएगा, 142 प्लस 11 153 आएगा। ये 11 के बाद का ऑड नंबर क्या है, 13 है, तो 153 में अगर आप 13 को ऐड करते हो कितना आता है, 156 आता है, 166 आता है, और इसमें क्या दिया है, 165 दिया हुआ है, यानी कि रॉन्ग क्या होगा, डी ऑप्शन क्लियर है, 165 इज रॉन्ग, ऑप्शन डी सही है। ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। इफ रेक्टेंगल वेर कॉल्ड अ सर्कल, अगर रेक्टेंगल को सर्कल कहते हैं, सर्कल ए सर्कल इज अ पॉइंट, अगर सर्कल को हम पॉइंट कह दें, और पॉइंट इज ट्रायंगल, जहां पे पॉइंट है उसको अगर हम ट्रायंगल कहेंगे, एंड इफ ट्रायंगल इज अ स्क्वायर, अगर ट्रायंगल को अगर हमने अगर स्क्वायर कह दिया तो फिर व्हील का शेप क्या बोलेंगे, मतलब पहिए का शेप क्या होगा। पहिया जो होता है आपका सर्कुलर होती है। क्या आंसर दे रहे हो आप लोग, सी। रेणु जी बिल्कुल आप सही बता रहे हो, सी, वेरी गुड। क्योंकि सिक्स का, क्योंकि क्या बोल रहा है इसमें, सर्कल इज अ पॉइंट, तो आपका व्हील जो होता है वो वृत्ताकार होती है, मतलब सर्कुलर होती है, और सर्कुल का हम क्या बताया जा रहा है, पॉइंट कहा जा रहा है, तो व्हील का शेप क्या होगा, पॉइंट, सी सही होगा। सबको क्लियर हो गया। इसे करिए 65, 367 मिल्स आई एम हैप्पी, इसका मतलब क्या है, 3, 6 और 7 इनमें से कोई एक आई होगा, कोई एक एम होगा, कोई एक हैप्पी होगा। अब 748 मिल्स यू आर सैड, एंड 469 मिल्स हैप्पी एंड सैड, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिप्रेजेंट एंड, एंड के लिए कौन सा आप अल्फाबेट, मतलब कौन सा नंबर आप यूज करोगे। ऑप्शन सी बता रहे हो, ऑप्शन सी किसका, 65 का बता रहे हो। बताए क्या आंसर होगा, का भी आंसर होगा, वेरी गुड। बहुत ही आसान है, आप देखते हो कि पहला क्या दिया है, 367 मीन्स आई एम हैप्पी, एंड 469 मीन्स हैप्पी एंड सैड, तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 जो है दोनों में कॉमन है, एंड आई एम हैप्पी एंड हैप्पी एंड सैड, हैप्पी वर्ड भी कॉमन है, तो हैप्पी किसके लिए हो गया, 6 के लिए हो गया। सेम तरह से अगर आप निकालोगे तो क्या बोला इसमें, अगले में 748 मीन्स यू आर सैड, तो इनमें से अगर आप अगर डिकोड करोगे
कितना आंसर आएगा आपका एंड के लिए? 9 आ जाएगा। सबको क्लियर है? नो सर, नहीं क्लियर, समझ नहीं आया। हेलो जी सर। एंड के लिए 9 आ गया, एंड के लिए 9। सबको क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? यहाँ देखो क्या लिखा है कि 3, 6, 7 means I am happy and 7, 6, 9 means happy and sad. तो यहाँ पे 6 है और happy है, यहाँ भी 6 है और happy है, तो happy के लिए क्या 6 हो गया। 7, 4, 8 means you are sad. तो 7, 4, 8 का मतलब you are sad. अब इसमें देखिए कि इसमें कुछ common है, sad दो जगह पे यू आर सैड है और 4, 6, 9 पे भी हैप्पी एंड सैड है। तो 4 क्या है इसमें भी है और 4 यहाँ भी है, मतलब 4 के लिए क्या होगा सैड हो जाएगा। तो हमें हैप्पी का पता चल गया, हैप्पी का क्या 6 है और 4 का क्या सैड है, तो बचा क्या 9 बचा। यहाँ पे 9 बच गया और इसमें एंड बच गया, क्योंकि हैप्पी का भी हमें मिल गया कोड और सैड का भी मिल गया, तो क्या हो जाएगा एंड के लिए 9, 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? ओके, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। हम इस तरह से इसको अलग अलग करके निकाल रहे हैं। 66 करें, ऐसा कोई है जिनको ये 65 वाला क्लियर नहीं हुआ हो? सबको क्लियर है? ओके, 66 करें। एम टी एस बी के बाद क्या आएगा? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ऐसा कोई है जिनको क्लियर नहीं है कि कैसे भी आया? यहाँ देखिए आप, अगर किसी को क्लियर नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। एन कितने पे है? 13 पे। यहाँ देखिए एम पी एस और बी, नंबरिंग कीजिए। एन कितने पे है? 13 पे। पी कितने पे है? 16 पे। एस का एस का बताइए कितना होगा? O P Q R S T, तो T 20 पे है तो S कितना हो जाएगा? 19 पे हो जाएगा। और T U V तो क्या होगा? 22 पे आएगा। तो क्या देखते हो आप, इसमें प्लस थ्री अगला क्या हो जाएगा? 22 में अगर आप 3 ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 25 25 में क्या आ जाएगा आपका? क्योंकि 25 में क्या वाई आती है जो टीम है, तो ऑप्शन बी सही है। सबको क्लियर है? सबको आपका दिसंबर 11 का सब पेपर का सारा क्वेश्चन सर। व्हाट इज द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस? आप बताओ, 67 बताओ कितना आएगा। कौन सा ऑप्शन चूज करें ए बी सी डी में? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बताएं। 67 75 आप बता रहे हो नीरज जी, ओके। और कोई सी बता रहे विपिन जी? विपिन जी आप माइक खोल कर कह सकते हो कि कैसे आया? यस सर, (2+1) पहले में है, उसके बाद (2-1) (2+1) (2-1) होते जा रहा है। बहुत अच्छा, 2 × 2 इसको अगर हम सॉल्व करें तो पहले देखो ये जो 2 आ रही है ये कैसे आ रही है आपका, 2 × 2 + 1 करेंगे तो 5 आ रहा है। इसके बाद
फाइव इंटू टू माइनस वन करेंगे तो 10 माइनस 1 9 आएगा, फिर क्या होगा 19 इंटू टू प्लस वन करेंगे तो 37 आएगा। और फिर अब इसको माइनस करेंगे तो 19 इंटू टू माइनस वन, तो टू टू तो पहले था, दो दो में 4 1 5 आ गया, फिर 5 2 10 माइनस 1 9 आ गया, 9 9 2 18 प्लस 1 19 आ गया, 19 2 38 माइनस 1 37 आ गया, फिर 37 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 74 प्लस 1 75 आ जाएगा। तो 69 करें, अभी हमने किया था 69 के तरह क्वेश्चन। थैंक यू रणित जैन जी, बिल्कुल सही है आपका, भावना जी सब सही है, जिन्होंने भी 75 या 80 बोले हैं सब सही है। 69 करें, अभी जिस तरह से हमने किया था कोड करके वैसे करनी है। गिवन दैट इन सर्टेन लैंग्वेज, किसी विशेष भाषा में 645 का मतलब है बे इज वार्म और 42 का मतलब है वन स्ट्रिंग। इसका मतलब देखिए कि क्या दोनों में कॉमन आया, 4 कॉमन आया दोनों में और ये वर्ड कॉमन है वन दोनों में। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 मतलब आपका कितना, 1 का मतलब 4 हो गया। अब बाकी आप निकालो। मैसेज करें अगले, अगला क्या होगा आपका इसमें से। सनी के लिए क्या होगा, थ्री, वेरी गुड, मतलब ऑप्शन नहीं होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, 70 कीजिए। पेपर आप लोग बहुत अच्छा कर लेते हो, बस यही तो चाहिए एग्जाम में, बहुत ही अच्छे पेपर कर लेते हो। लेकिन जब बाकी क्वेश्चन करा दो तब थोड़ा कम कम मैसेज करते हो, पेपर में कितना अच्छा मैसेज करते हो, बस यही करो, हमें तो पेपर ही चाहिए एग्जाम में। 70 का ही बता रहे हो आप, 7 आपका क्वेश्चन नंबर डाल दो। नेक्स्ट लेटर ऑफ द सीरीज वाई वी एस पी, वाई मतलब कितना हो जाएगा आपका, नंबर ही कर रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। अभी बताया था 25 होती है वाई का, पी का कितना था 22 था, एस कितना था अभी आपका 19 था, पी कितना था 16 था, तीन तीन घट रही है तो कितना होगा 13। ऑप्शन कितना आसान था, मैं करना तो नहीं चाहता बिल्कुल, बिल्कुल एम होगा, सबको सही है। मैं विपिन जी, नीरज जी, विपिन जी, पुष्पा जी, सारे लोगों का सही है, बिल्कुल सही है। रेणु जी बिल्कुल, रेणु जी एम, बिल्कुल सही। तो ये आपका एम, पता आपको पता चल गया कि कैसे होना है। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। 71 कीजिए, विच ऑफ द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट टू द फॉलोइंग सीक्वेंस 2 6 12 20 30 42 656, अगला नंबर क्या होगा। सेवेंटी वन का आप सी बता रहे हो आंसर, बहुत ही सही, बहुत ही अच्छी बात है, 71 का सी ही होगा। कोई आप में से, पुष्पा जी कहिए क्या, कैसे निकाला आपने सी? सर इसमें प्लस 4
संख्या में प्लस 6, फिर उससे प्लस 8 और ऐसे करते करते 16 तक ले बहुत जाने, अच्छी, लास्ट में बहुत सिक्सटीन अच्छी, बहुत अच्छी। हाँ तो प्लस ये लिए ऐड बहुत कर। अच्छी। हाँ समझ गया। आप लोग करो 72 करो, कोडिंग डिकोडिंग। मोहन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोड KMFYL। बहुत आसान लॉजिक है कोडिंग करने का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिसंबर में आई थी, दिसंबर के एग्जाम में आया था। 16, 16, 72 का आप नंबरिंग कर दो। एम कितने पे आती है? एम आती 13 पे। अगर हम मोहन लिखते हैं ये 13 होगा। ओ कितने पे आती है? 15 पे आती है। आप देखो एज, मोहन एज कितने पे आती है? एज के पोजिशन करो आप लोग, ई एफ जी एच आई जे 8वें पे आएगा। ए कितना? 1 पे आएगा। एन कितना आएगी? 14 पे आएगी। अब इसका नंबर देखो के कितनी है, के का पोजीशन क्या होती है? 11 होती है। आई जे के 11 आ जाएगा, ये 13 हो जाएगा। एम के जगह जो 13 था उसका 11, मतलब 2 माइनस करके आ गया। एम कितने पे आती है? 13 पे आती है। ओ के जगह एम लिखा गया, मतलब इसमें भी 2 माइनस किया गया। आप बताओ कितना होगा आंसर? ऑप्शन ए, पुष्पा जी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सबका आंसर है। या ये सारा पेपर का मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोगों का कोई भी छूटेगा नहीं, सारा पेपर आप लोग पिछले सालों का पेपर आप लोगों को किया हुआ रहेगा, तो आपको पता है कि कैसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे आपको फेस करना है। 73 के चाहिए। मिसिंग नंबर निकालनी थी जिसकी, ए पहले का था मेरे ख्याल से, ए आपका ऑप्शन कौन सा था? 72 का ये था। अब 73 का आंसर बताएं। मैं डाल देता क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 70। कौन सा ऑप्शन है? अभी तक किसी ने निकाल ली? ओके ऑप्शन है, विपिन जी बोल रहे हैं 240 बता रहे हैं। ऑप्शन बताए, एबीसीडी बताए, कौन सा 240 बता रहे हैं? एबीसीडी में ए बता रहे हैं आप। इसको मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली ये नहीं है ऐसा, ये मल्टीपल सीरीज पे बेस का क्वेश्चन नहीं है। सीरीज क्या है आपका? 0, 6, 24, 60, 120 और आपका 120 के बाद नंबर 336, क्वेश्चन मार्क 336।
इसमें आप क्या देखते हो, जीरो से छह का अंतर कितनी है आपका, सिक्स का, मतलब इसमें आप सिक्स ऐड किया जितने मिल गया। इनका अंतर कितनी है, 18 का अंतर है। इसमें अगर जाओगे आप तो कितने का अंतर मिलेगा आपको, 36 का अंतर मिलेगा। इसमें अगर जाओगे तो कितने का अंतर मिलेगा, 60 का अंतर मिला। कुछ रूल्स पा रहे हो आप इसमें से, कितना होना चाहिए। इसके बाद पहले जो था सिक्स, सिक्स का बाद 18 गया, फिर क्या गया, 36 गया, फिर क्या गया आपका, 60 गया। उसके बाद नहीं आया गरीबा जी, यह सीरीज पे बेस्ट है। पहले देखो, पहले जीरो से सिक्स का अंतर कितनी है आपका, सिक्स है। सिक्स से 24 18 है, 18 से आपका 60 कितनी है आपका, 36 का अंतर है। तो क्या हुआ, 6 into 1, 6 into 3, 6 into 6, सर प्लस हम करेंगे क्या? सारा प्लस करके हमारा मतलब हम देखते हैं कि कितना गैप कितनी है इसमें लगातार। पहले जीरो और सिक्स का गैप कितनी है आपका, प्लस सिक्स है। फिर सिक्स से 24 का गैप कितनी है, 18 है। फिर 24 और 60 का गैप कितनी है, 36 है। और जी 24 और 60 का गैप कितनी है, 36 है। 60 से लेके 120 का गैप कितनी है आपका, प्लस 60 है। इस बार क्या, सिक्स का टेबल का गैप चल रहा है। हाँ, और इसके बाद का सीरीज देखोगे आप इस पे, तो ये आपका ये सीरीज बनती है लगातार। तो आप जब इसको मैच कराओगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 210। 12 से 24, 6 पर 30। ये थोड़ी सी आपका मल्टीपल सीरीज से बेस्ट था। 6 into 3, 6 into 6, 6 into 10, 6 into 15, इस तरह से जा रहा है। 74 करें। He आंसर क्या है is the इसका? father of R and S is the son of Q. सूर्या जी एक बार फिर से 73 बता दो। ये मल्टीपल सीरीज पे है। पहले 6 5 12 से 15 जीरो और सिक्स तीस का अंतर सिक्स इंटू वन, जीरो सिक्स 6 9 210 सर, का टू है। हाँ, हंड्रेड टेन ये आपको सीरीज पे चल रहा है, मतलब मल्टीपल सीरीज पे। 6 into 1, 6 into 3, 6 into 6, 6 into 10, फिर क्या होगा, 6 into 15, 90 आएगा, गैप आएगा। तो आप 120 में 90 जोड़ोगे तो आपका 210 आएगा। 74 करें। He is the father of R and S is the son of Q and T is the brother of P. P is the father of R, मतलब P R का पापा है and S is the son of Q. S जो है वो Q का सन है, बेटा है। एंड T is the brother of P. T P का भाई है। If R is the sister of S, अगर आर का सिस्टर हो एस का, तो क्यू और टी का क्या संबंध होंगे, कौन मतलब क्या होंगे आपस में, वाइफ सर वाइफ सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। बी बता दे पूनम जी, किरण जी, सिक्स सिस्टर इन लॉ इज द एक्स एग्जैक्ट आंसर। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन, आप लोग काफी अच्छे समझ गए हो। मुझे बहुत खुशी है कि यही सब क्वेश्चन आप लोगों को वहां पे टाइम पर बहुत सही टाइम पे आप लोग आंसर दे रहे हो, बहुत कम टाइम पे दे रहे हो। वेरी गुड। कैसे करें, मिसिंग नंबर 76। फोर्टी 120 60 180 90 क्वेश्चन मार्क का एक्स मान लो 135। जून के एग्जाम में आए थे।
रेणु जी बिल्कुल सही, पूनम जी बिल्कुल सही, 270 बिल्कुल सही, किरण जी बिल्कुल सही, आप लोग बेचारा रोएगा इंडस्ट्री वाले, इतना सही सही टाइम पे बहुत कम टाइम पे आप सबने जवाब दिया, वेरी गुड कांग्रेचुलेशंस। 77 करें, 77 मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप लोग करें। सिर्फ आप नंबर, अगर अगर आपको एचओटी आता है तो ये सब क्वेश्चन आप फट से निकाल लोगे, खाली एचओटी आपसे आपको खाली करनी है। गालिब इज रिप्रेजेंट, मतलब GALIB रिप्रेजेंट करता है आपका HBMCJ, तो टाइगर का क्या होगा? बहुत सिंपल है, इसका आपने आंसर दे दिए होंगे, बिल्कुल आप ऐसे देख रहे हो। GH एक आगे गया, AB एक आगे गया, LM जस्ट खाली एक खाली शिफ्ट होता जा रहा है, IJ खाली शिफ्ट हो जा रहा है, PC खाली शिफ्ट हो जा रहा है, करना किसका? टाइगर, टाइगर के बाद क्या होता है? TU, TU से जो शुरू होगा वो सही होगा, CRD अपने आप गायब हो गया। अब चेक कर लो आई के बाद क्या आता है, आई के बाद जी आता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा, ज्यादा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। जेन जी, विपिन जी, पूनम जी, सब लोग सही है बता रहे हो, ऑप्शन ए सही होगा, इन्होंने बी बोला, बी नहीं होगा, रवि जी बी शायद नहीं होगा, आप किसके लिए बोल रहे हो ए, बी? इसके लिए आपका 77 के लिए ए होगा, शायद आपने 270 वाला पहले बोला था, कितना बोला था? बात करें 78 करें, ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन अभी अभी आप कर रहे हो इसमें से एग्जाम में 100% तय है कि एक क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन हर टाइप का मिलेंगे आपको, ये सीरीज का तो मिलना ही मिलना है, कोडिंग डिकोडिंग मिलना ही मिलना है, और ये जो पॉइंटिंग वाला है कि आपका ब्लड रिलेशन का मिलना ही मिलना है, एकदम पक्का मिलना है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से ज्यादा प्रेशर देकर करा रहा हूँ, इसको ज्यादा जोर देकर, कि को आपको मिलना ही मिलना है एग्जाम में। 78 का आप ए आंसर बता रहे हो, एक बार चेक करो 78 का कितना होना चाहिए। 78, आप एक बार क्वेश्चन नंबर डाल दो, मुझे कंफ्यूजन होता है कौन सा डाल दे आप, इसके लिए बहुत बता रहे हो। 78 क्वेश्चन नंबर बताओ, आंसर कितना होगा 78 का? सी नहीं होगा, विपिन जी आप चेक करो एक बार प्लीज, मदर इन लॉ नहीं होगा, मैंने आपको टी से सिखाया है, आप लोग टी का इस्तेमाल करें फट से निकल जाएगा। ऑप्शन डी होगा, सिस्टर्स ऑफ फादर इन लॉ, अगर आप फैमिली ट्री बनाकर देखो मिल जाएगा आपको आंसर। एटी वाला करो, सर्कल वाला, ये क्वेश्चन वाले बहुत अच्छे करते हो, बहुत जल्दी करते हो। गिवन बिलो डायग्राम ऑफ थ्री सर्कल, तीन सर्कल का डायग्राम दिया हुआ है, ABC इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे से संबंधित है। द सर्कल ए रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ इंडियंस, मतलब आपका जो ए जो है वो इंडियन के लिए शो करता है, सर्कल बी शो करता है साइंटिस्ट के लिए, एंड सर्कल सी शो करता है पॉलिटिशियन के लिए, ठीक है? तो आप सर्कल ए जो है, सर्कल ए रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ इंडियंस, इसका आप आई ले लो, सर्कल बी रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ साइंटिस्ट, इसको आप साइंटिस्ट ले लो,
और सर्कल से क्या करता है का पॉलिटिशियन को शो करती है, पॉलिटिशियन लेना है। सिलेक्ट द कोड फॉर द कंटेनिंग द रीजन, आप उस कोड को सिलेक्ट करो जिस जो क्या दिखाता है दैट इंडिकेट्स द क्लास ऑफ इंडियन साइंटिस्ट हु आर नॉट पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिशियन तो नहीं है लेकिन इंडियन है और साइंटिस्ट है, वो बताइए इनमें से कौन से होंगे। अब मुझे पता है सब ऐसा सही दे रहे होंगे। सर पूनम जी बी एस, अच्छा एस मतलब आप वो बता रहे हो। ये सब क्वेश्चन में आप कभी गलती हो नहीं सकती, बिल्कुल भी है। और ये क्वेश्चन मिलना मिलना तो 100% तय है, आप लोग इसको अच्छे से कर दो, सबके दो ही नंबर मिलने हैं, तो जब भी आएगा किसी को ऐसा कोई है जिसको डाउट है, कोई सबको डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं है, वेरी गुड। रेणु जी, विपिन जी, किरण जी, भावना जी, पूनम जी, भावना जी, पूनम जी, आप लोगों ने बी बोला, बी एकदम बिल्कुल सही आंसर है। इसमें से आप लोगों का कोई एक नंबर काट नहीं सकता। 81 करें, आप लोग देख रहे हो, आप लोग 2014 तक आ गए हो सारा क्वेश्चन करते हुए, पिछले 15 साल का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं पूरा, और आप लोग ने बिल्कुल सही से पर करके आए हो। कितने ज्यादा पोटेंशियल है आप लोगों में, बाकी क्वेश्चन कर जितना भी आप लेट करो जल्दी करो अलग बात है, लेकिन जो एग्जाम का क्वेश्चन कितना जल्दी कर रहे हैं आप लोग, वही चाहिए भी है। थोड़ी सी कोशिश करो, कितना अच्छे नंबर लाओगे एग्जाम में। 81 के भी बता रहे हो, 81 का आंसर देनी है, 81 आप बताइए आंसर भेजिए, 81 में क्या होगा आंसर। मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे वैसे, आप ये सारे मैथ के क्वेश्चन नहीं, आप वो मैथ अलग से नहीं आता, आपका यूनिट से आती है, दो यूनिट आपका मैथ का है, दो यूनिट की मिला के मान लीजिए कि रफली बता रहा हूँ कि 10-12 क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे, उससे ज्यादा भी आएंगे, मतलब 12-15 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे एटलीस्ट, उससे ज्यादा ही आएंगे। कितना आएगा आंसर 81 में, कितना बताया आपने 81 का, ए बता रहे हो, बाकी लोगों का क्या ए ही आ रहा है, बी आ रहा है। आप लोग एजीओटी को फॉलो करो, अपने आप आ जाएगा आंसर। एक पर्टिकुलर चेक बाद आपको रिपीटेशन हो रहा है, बी देखो रिपीटेशन हो रहा है, दो दो टू टू बी का टू दो टू पे है ना, आई क्या 9 पे आता है, 9 9, बी कितने पे आती है 16 पे आती है, 16 16, उसके बाद बीच में क्या आती है एफ ई 6 और 7 एम एल, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिपीटेशन कब हुआ, अब आप लॉजिक लगाओ, तो मैंने बता दिया। ऑप्शन ए सही है, पूनम जी ने बताए थे ऑप्शन ए। इसको मैं दिखा दूं, इसको बी एफ, अगर देखो बी और बी फिर क्या आपका एफ और ई, फिर क्या आपका आई आई, लगातार देखो कि इसमें आप इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट होता जा रहा है। बी कितने नंबर पे है, बी है आपका 2 नंबर पे, एफ कितने नंबर, इसका दो लॉजिक बना बना सकते हो, एक रिपीटेशन का बना सकते हो कि पहले आपका
एक के बाद आपका रिपीटेशन हो रहा है, देखो इसमें रिपीटेशन नहीं हुआ, फिर रिपीटेशन हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर हुआ, मतलब इसके बाद क्या रिपीटेशन नहीं होगा, तो बिना रिपीटेशन वाला आएगा। फिर देखो बी के जगह बाद क्या है, बी के बगल में एफ है, कितने कितने का गैप है, चार का गैप है, प्लस फोर। फिर एफ के बाद क्या है आपका आई है, कितने का गैप है, प्लस तीन का गैप है। फिर क्या हो जाएगा आपका आई के बाद कितना है आपका, आई के बाद आपका एम है, एम है, आई नाइन पे आता है, एम कितना है आपका 13 पे आता है, कितने का गैप है, चार का गैप है। फिर क्या होगा आपका तीन का गैप, फिर क्या होना चाहिए, चार का गैप, यानी क्या होगा, कौन सा ऑप्शन से आएगा आपका, टी से आएगा। तो टी से स्टार्ट क्या हो रही है आपका, ए, तो खाली ऑप्शन ए सही है। ओके सबको क्लियर हो गया, ऑप्शन ए सही। हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति। आप सबको शुभरात्रि, आप सबको नमस्कार, आप सबका दिन मंगलमय।